हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। जो भी टीचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज है। माननीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने आज दोपहर में यह घोषणा की कि जितने भी टीचिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं जो कि पिछले 10 वर्षों में प्राप्त किए गए हैं, अर्थात जिन्होंने कोई भी सीटेट की एग्जाम या सेंट्रल लेवल पर कोई भी टेट एग्जाम पिछले 10 वर्षों में यानी कि 2011 के बाद में दी है, उन सभी की जो वैलिडिटी है वो 7 इयर्स से बढ़ा करके लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है। दोस्तों, यह बहुत ही प्रतीक्षित फैसला था जिसका कि सभी भावी टीचरों को और सभी टीचिंग एक्सपीरियंस को इंतजार था। दोस्तों, इस फैसले के क्या इंपैक्ट होंगे, आइए हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इंपैक्ट इस फैसले का होगा कि जो ऐसे टीचिंग एक्सपीरियंस थे जो काफी लंबे समय से टीचर बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं कि हम किस तरह से कैसे हम एग्जाम को फाइट करके और हम टीचर बन जाएं, लेकिन उन्होंने टीचिंग एलिजिबिलिटी का जो टेस्ट है वो पहले ही पास कर लिया था। अब उनको बार बार जब उनकी वैलिडिटी निकल जाती थी, जैसे कई स्टेट्स में, राजस्थान जैसे स्टेट्स में इसकी वैलिडिटी 3 या 4 इयर्स की होती है और सेंट्रल में भी जो सीटेट होता था उसकी वैलिडिटी भी 7 इयर्स की थी। तो इस पर फैसला लेते हुए माननीय शिक्षा मंत्री ने आज घोषणा की है कि टीचिंग एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट है उनकी वैलिडिटी को अब लाइफ टाइम कर दिया गया है। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छा फैसला है। आइए इस फैसले के डिटेल्स को हम देखते हैं। आज दोपहर में ही डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का ट्वीट आया था, जिस ट्वीट में उन्होंने पीआईबी के द्वारा जारी किया गया ये नोटिफिकेशन, इसको उन्होंने ट्वीट किया और दोपहर लगभग 1:41 पर यह जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया और इसमें जो भी डिटेल्स हैं उनको हम देखते हैं। मेरे पास में इस नोटिफिकेशन का प्रिंटआउट है तो मैं आपको इससे बताता हूं कि क्या उन्होंने बताया है। यूनियन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक अनाउंस दैट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फ्रॉम 7 इयर्स टू लाइफ टाइम विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। दोस्तों, ये बात गौर करने की है, यहां पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि इसको पास्ट ईयर से लागू किया गया है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 2011। यानी कि दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज है कि जिन लोगों ने 2011 से टीचर सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, टीचिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, उन सभी सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपने 2011 से लेकर और 2020 तक कभी भी कोई भी टीचिंग सर्टिफिकेट लिया है तो वह सर्टिफिकेट, टीचिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो आपका लाइफ टाइम वैलिड होगा। अब आपको बार बार सीटेट की एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होगी। द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, आगे देखो दोस्तों, एक प्रश्न उठना हमारे लिए स्वाभाविक है कि क्या यह जो फैसला है वो केंद्र के लिए, सीटेट के लिए लागू होगा या कि जो यूपी टेट, रीट या एमपी टेट या अन्य राज्यों की जो टेट होती है उन पर भी यह फैसला लागू होगा। दोस्तों, यहां पर इस ट्वीट में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ लिखा है, द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट / यूनियन टेरिटरीज विल टेक नेसेसरी एक्शन टू रिवैलिडेट / इश्यू फ्रेश टेट सर्टिफिकेट टू दोज कैंडिडेट्स whose period of 7 years has already expressed, he added. दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने यह इसमें जोड़ा है कि जितने भी स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी अपने यहां पर जो टीचिंग सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है उसको लाइफ टाइम तक एक्सटेंड करें। तो दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी खबर है। आगे उन्होंने लिखा है, श्री पोखरियाल said this will be positive step in increasing the employment opportunities for candidate aspiring to make a career in the टीचिंग फील्ड। दोस्तों, जिनकी एज ज्यादा हो रही थी या फिर जो बिल्कुल टीचर बनने की कई एग्जाम दे चुके हैं और उनके लिए टीचिंग उनका एक पैशन है, जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला है। आगे इसमें लिखा है, टीचिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। टीचर्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट टेस्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन स्कूल्स। यानी कि भारत के विद्यालयों में कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी टेट पास करना अनिवार्य है। द गाइडलाइंस डेटेड 11th of February 2011 ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE लेट डाउन दैट
TET would be conducted by state governments and the validity of the TET certificate was 7 years from the date of passing TET. दोस्तों हम जानते हैं एजुकेशन जो है वो हमारी स्टेट लिस्ट का हिस्सा होता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो राज्यों को भी है और इसमें केंद्र भी कानून बनाते हैं और शिक्षा पर दोनों ही को कानून बनाने का अधिकार है। तो अलग अलग जो राज्य है वो इसकी समीक्षा करके अपने अपने अनुसार डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए गुड न्यूज ये है कि हमारी जो सीटेट की वैलिडिटी थी, टेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी वो लाइफ टाइम हो गई है और ये ऐसा ही करने का निर्देश देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट को भी दिया गया है। तो माननीय शिक्षा मंत्री के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और हम ये आगे भी हम देखते हैं। देखो आगे की जो स्लाइड है उसमें भी ये बताया गया है कि जो स्टेट के लिए, स्टेट्स जो है उनके लिए किस तरह से इसका रहेगा। तो यहाँ पर आगे पोखरियाल जी ने ट्वीट किया है कि रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट यूटीज टू टेक नेसेसरी एक्शन टू रिवैलिडेट ऑब्लिक इशू फ्रेश सर्टिफिकेट टू कैंडिडेट दोज पीरियड ऑफ 7 years elapsed already. This is a positive step in increasing the employment opportunities in the टीचिंग फील्ड। तो दोस्तों ये जो पूरा डिसीजन लिया गया है ये आने वाले समय में स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज पर भी लागू होगा। तो दोस्तों आपको यह इंफॉर्मेशन कैसी लगी? आपको अगर ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।